नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर अभी अभी बड़ी खबर निकल कर आया हुआ है मगध विश्वविद्यालय की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मगध विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल कर आया हुआ है सभी स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, मैं बिरजू कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मौर्य गुरु अकेडमी पर सभी छात्रों का स्वागत है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आपको मगध विश्वविद्यालय की तरफ से सबसे न्यूज अपडेट दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है, सबसे पहले आपको ये बता दूंगी, ये मगध यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट है, ये मगध यूनिवर्सिटी .ac.in ये ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आ जाएंगे आप तो इस जैसे ही इसे गूगल पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे, ठीक है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप लोगों को बता दूँ मैं कि नीचे आपको थोड़ा सा चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर न्यू नोटिस दिख रहा है, न्यू नोटिस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। न्यू नोटिस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा यहाँ पर नेट मेरा बंद पड़ा हुआ है, चलिए इसे नेट में ओपन कर लेता हूं, क्योंकि इंटरनेट जब तक ओपन नहीं रहेगा ये खुलेगा नहीं, ठीक है। यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कुछ बड़ी अपडेटें आई हुई है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है ना। कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगा, पूरा एंड तक वीडियो को देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ जुड़ी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ, बहुत ही बड़ी अपडेट है, एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर करूंगा। दोस्तों ये अभी अभी अपडेट आया हुआ है मगध विश्वविद्यालय की तरफ से, ठीक है। और एक और भी बड़ी खबर निकल कर आया हुआ है, वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा जैसे मैंने आपको कहा। चलिए यहाँ पर देखिए, बताया जा रहा है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना के 15 संख्या देख सकते हैं मगध विश्वविद्यालय की तरफ से दिनांक 4/4/2021 के आलोक में सूचित किया जाता है कि मगध विश्वविद्यालय बोधगया स्नातकोत्तर सेकेंड सेमेस्टर 18-20 और फोर्थ सेमेस्टर 17-19 की परीक्षा पूर्व निर्धारित है, जो COVID-19 के मानक के अनुरूप दिनांक 7/4/2021 से निम्नलिखित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो कल से आप लोगों का परीक्षा निर्धारित रूप से मतलब लिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, सेकेंड सेमेस्टर 2018-20 और फोर्थ सेमेस्टर 2017-19, ठीक है। तो आप लोगों का 7 अप्रैल से यानी कल से आप लोगों का परीक्षा स्टार्ट है, आप लोग जाके अपना परीक्षा दे सकते हैं। अब इससे जुड़ी जानकारी पूरी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम थोड़ा फ्लैश बैक में आ जाते हैं फिर से और आपको थोड़ी सी और अपडेट दिखाते हैं, ठीक है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। यहाँ पर देखिए ऑफिशियल ऑर्डर आया हुआ है सभी स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिशियल ऑर्डर आया हुआ है, इसको भी पालन करना है। चलिए हम इसको भी पढ़ के आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है, ऑफिशियल ऑर्डर आया हुआ है सभी छात्रों के लिए। दोस्तों यहाँ पर भी आपको मैं बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिहार सरकार गृह विभाग विशेष शाखा के ज्ञापांक की आपदा 6/2/2021 के तहत, जी हाँ दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा कि 3 तारीख से आप लोगों का बिहार सरकार पटना मगध विश्वविद्यालय रथा संघ और 4/4/2021 के आलोक में कोरोना संक्रमण मामलों के मद्देनजर माननीय कुलपति महोदय ने निम्न आदेश प्रेरित कृपया करने की कृपया की है, ठीक है। विश्वविद्यालय के सभी स्नातकोत्तर विभाग तथा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालय में 5/4/2021 से, यहाँ पर देखिए 5/4/2021 11/4/2021 तक ऑनलाइन शिक्षण के कार्य बंद रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है सभी स्टूडेंट्स के लिए। 11 अप्रैल तक आप लोगों का सभी सरकारी निजी सरकारी स्कूल कॉलेज महाविद्यालय यूनिवर्सिटी सब बंद रहेंगे, सरकारी कार्य कोई भी नहीं चालू रहेगा, ऑनलाइन भी सेवाएँ बंद रहेगी। ये बड़ी अपडेट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। विश्वविद्यालय के सभी स्नातकोत्तर विभाग के कार्यालय अनुभागों के शिक्षक पदाधिकारी एवं कर्मचारी गण तथा अंगीभूत संबंध अल्पसंख्यक महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों पूर्व मानती कोविड प्रोटोकॉल के पालन करते हुए अपने कार्यस्थल पर कर्तव्य पालन करने हेतु उपस्थित रहेंगे। मतलब यह है कि जो कर्मचारी हैं कर्म हेतु हैं वो अपने पूर्व रूप से अवस्थित रहेंगे, मतलब पूर्व रूप से उपस्थित रहेंगे, उनकी ड्यूटी जारी रहेगी, ठीक है। लेकिन जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय है ये सब सरकारी जो भी काम कार्य काम है वो सब बंद रहेंगे, उनको ये बात को ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को ध्यान से सभी स्टूडेंट्स सभी जगह शेयर कर दीजिएगा कि सभी छात्रों को मालूम चले और ज़्यादा से ज़्यादा ये छात्रों को मालूम चलना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट है, ठीक है। वीडियो को शेयर करना लाइक करना मत भूलिएगा और जैसी पल पल की अपडेट आएगी मगध विश्वविद्यालय की तरफ से आपको सबसे पहले इसे इसी चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो वीडियो को शेयर करना यार दोस्तों, लाइक करना भाई, और चैनल पर नहीं जरूरत तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर देना कि आने वाली पूरी पल पल की अपडेट जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द, धन्यवाद।